एपिसोड की शुरुआत में हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि गेट और शो को पेंसिल और रबड़ गोजो की तरफ फेंकते हैं, लेकिन रबड़ गोजो से टकरा जाता है और पेंसिल हवा में रुक जाती है। गोजो बोलता है कि नॉट बैड, शो को बोलती है कि अभी क्या हुआ। गेटो बोलता है कि क्या इस कर्स टेक्निक ने अपने आप टारगेट को चुना। गोजो बोलता है कि हाँ, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये होगा कि इस कर्स टेक्निक का टारगेट मैं हूँ। मैंने इस पावर को मैनुअल कंट्रोल से ज्यादा ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया है। अब ये सिर्फ स्ट्रेंथ और कर्स एनर्जी के आधार पर ही नहीं बल्कि डेंजर लेवल ऑफ मास ऑब्जेक्ट और शिप के आधार पर भी उन्हें रोक पाएगी। लेकिन ये और भी ज्यादा अच्छा होता अगर ये जहर के खिलाफ भी काम कर पाता, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं लिमिटलेस कर्स टेक्निक को बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ एक्टिव रख रहा हूँ। शोको बोलती है कि अगर तुम 24 घंटे ऐसे रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन बर्नआउट हो जाएगा। गोजो बोलता है कि जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक रिवर्स कर्स टेक्निक भी ऑपरेट होती रहेगी और मेरा दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। इसके अलावा मैंने रेड और ब्लू के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को अपने हाथ के शॉर्टकट के साथ प्रैक्टिस किया है। अब मेरा अगला टास्क है लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन और डोमेन एक्सपेंशन। अगर मैं स्कूल से शुरू करूं और एक क्लियर रास्ता बनाऊं तो मैं इसे भी हासिल कर सकता हूं। और शोको, क्या मैं तुम्हारा लैब रैट ले सकता हूं? वहीं गेटो सोचता है कि सतोरू तो और ज्यादा ताकतवर बन गया है। तभी गोजो बोलते हैं कि सुगुरु, क्या तुम्हारा वेट कम हुआ है? गेटो सोचता है कि गोजो अकेले ही सारे टास्क कर लेता है। वहीं शोको डेंजरस मिशंस पर नहीं जाती, इसीलिए मैं अपने आप के साथ और अकेले टाइम स्पेंड कर रहा हूं। गेटो बोलता है कि गर्मी की वजह से मैं थका हुआ हूं, मैं ठीक हूं। अब गेटो अकेले में सोचता है कि पूरे समर में काफी बिजी था। पिछले साल के डिजास्टर की वजह से कर्स स्पिरिट मैगट्स की तरह बाहर निकल रहे हैं। उन्हें खत्म करो फिर एब्जॉर्ब करो, मैं कंटिन्यू ये टास्क कर रहा हूँ। कोई नहीं जानता कि इनका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन मैं ये किन लोगों के लिए कर रहा हूँ? उस दिन के बाद से मैं लगातार ये सवाल खुद से पूछ रहा हूँ। लेकिन ये रास्ता मैंने खुद ही चुना था कि जुजुत्सु सोर्सरर होने के नाते मुझे उनकी रक्षा करनी है और अब मैं इस रास्ते को छोड़ नहीं सकता। तभी वो गुस्से में बोलता है कि स्पिटिंग मंकीज। अब हमें गेटो का जूनियर हाइबारा दिखाया जाता है जो बोलता है कि सीनियर गेटो, आपने काफी मेहनत की है। गेटो बोलता है कि हाइबारा, कुछ पीना चाहोगे? अब दोनों कोक पीने लगते हैं तो हाइबारा बोलता है कि मैं मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ। गेटो बोलता है कि अच्छा, तब तो हमें वहाँ की कुछ लोकल स्पेशलिटीज लेकर आना। तो हाइबारा बोलता है कि आपको स्वीट डिश चाहिए, साल्टी? गेटो बोलता है कि शायद सतोरू को भी चाहिए होगी, इसीलिए कुछ मीठे में लेकर आना। हाइबारा बोलता है कि ठीक है। तो गेटो बोलता है कि हाइबारा, क्या तुम्हें जुजुत्सु सोर्सरर के रूप में तुम काम ठीक कर रहे हो? हाइबारा बोलता है कि मैं इन चीजों के बारे में डीपली नहीं सोचता, मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपना बेस्ट देता हूँ। गेटो बोलता है कि सच में? हाइबारा बोलता है कि हाँ, ये सच है। तभी एक लड़की बोलती है कि क्या तुम गेटो हो और तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? गेटो बोलता है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? तभी हाइबारा बोलता है कि मुझे ज्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद है। गेटो बोलता है कि हाइबारा? तो हाइबारा बोलता है कि चिंता मत करो, वो बुरी पर्सन नहीं है, मैं लोगों को बहुत आसानी के साथ जज कर लेता हूँ। गेटो बोलता है कि अच्छा, तब तुम मेरे नजदीक क्यों बैठे हो? ये सुनकर हाइबारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि वो बस तुम्हें टीज कर रहा है। अब हाइबारा बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। अब वो लड़की बोलती है कि क्या वो तुम्हारा जूनियर है? काफी फ्रैंक और क्यूट बच्चा है। गेटो बोलते है कि सबसे पहले सोर्सरर को दूसरों के ऊपर डाउट करना सीखना चाहिए। लड़की बोलती है कि वैसे क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो गेटो बोलता है कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। लड़की बोलती है कि मैं स्पेशल ग्रेड सोर्सरर सुकोमो योकी हूँ, अब तुम समझ गए? गेटो बोलता है कि अच्छा, तो वो तुम हो? योकी खुश होकर बोलती है कि गुड जॉब, समझ गए मैं कौन हूँ। गेटो बोलता है कि वो लड़की जो स्पेशल ग्रेड होने के बाद भी कोई मिशन नहीं लेती, बस हमेशा बाहर ही घूमती रहती है। योकी बोलती है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं, मजाक कर रही हो? मेरा मतलब है कि स्कूल वालों को मेरे आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आते, यहाँ पर बस सब लोग बीमारी का इलाज करते हैं जबकि मैं परमानेंट सॉल्यूशन चाहती हूँ। गेटो बोलता है कि मतलब? तो युकी बोलती है कि मैं कर्स स्पिरिट को खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ कर्स स्पिरिट ही एग्जिस्ट ना करें। गेटो हैरान होकर उसे देखने लगता है। तो युकी बोलती है कि चलो मैं तुम्हें लेसन देती हूँ, बताओ कर्स स्पिरिट क्या होते हैं? गेटो बोलता है कि नॉर्मल ह्यूमन से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी जो बाहर निकलकर सोलिडिफाइड हो जाती है। युकी बोलती है कि सही कहा, हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं। पहला ये कि सभी इंसानों की कर्स एनर्जी को खत्म कर दें, और दूसरा ये कि कर्स एनर्जी इंसान कंट्रोल करना सीख लें। और मुझे लगता है कि पहला आइडिया बहुत ही अच्छा है, और इसका तो एक एग्जांपल भी है। तुमने तोजी ज़ेनिन का नाम तो सुना होगा। हेवनली रिस्ट्रिक्शन वाले मैंने बहुत से केस देखे हैं जो कि इंसानों को नॉर्मल बना देते हैं, लेकिन वो इकलौता था जिसके पास जरा भी कर्स एनर्जी नहीं थी। और इतना ही नहीं, वो अपनी सेंसेस की मदद से सभी कर्स एनर्जी को भी पहचान सकता था। उसने सभी कर्स एनर्जी को रिजेक्ट कर लिया था, इसलिए वो ऑर्डिनरी पीपल से काफी अलग था। सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसे कर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस मिल गई थी, वो प्रैक्टिकली सुपर ह्यूमन था। इसलिए तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए उससे हार कर। मैंने उसे स्टडी करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया। हालांकि उसकी मौत काफी बड़ा लॉस है, लेकिन बहुत सारे सैंपल है हेवनली रिस्ट्रिक्शन के, तो इसीलिए मैंने अपना फोकस दूसरे मेथड पर कर लिया, सभी इंसानों को कर्स एनर्जी का कंट्रोल सिखाने का। और तुम्हें पता है ना कि जुजुत्सु सोर्सरर कर्स स्पिरिट प्रोड्यूस नहीं करते। गेटो
वो बोलता है कि सीधे सीधे कहो कि तुम सभी इंसानों को जुजुत्सु सोर्सरर बनाना चाहती हो, अगर ऐसा ही करना है तो क्यों ना सभी नॉन सोर्सरर्स को खत्म कर दें। युकी बोलती है कि जो तुमने कहा यह सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, क्योंकि ऐसा करने से नॉन सोर्सरर्स सोर्सरर बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन ये करने के लिए मैं अभी पूरी तरह से पागल नहीं हुई हूँ। वैसे क्या तुम नॉन सोर्सरर्स को हिट करते हो गेटो? तो गेटो बोलता है कि मुझे पता नहीं, पहले मैं सोचता कि जुजुत्सु एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ताकि हम नॉन जुजुत्सु सोर्सरर को बचा सके, लेकिन अब इन कमजोर लोगों की अग्लीनेस मेरे अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है, पता नहीं मेरा असली थॉट क्या है। युकी बोलती है कि इनमें से कोई भी तुम्हारा असली थॉट नहीं है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं और इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना ही तुम्हारा थॉट होगा। अब युकी जाते हुए बोलती है कि मैं जा रही हूँ, वैसे मैं गोजो को हेले बोलने आई थी लेकिन मैं लगता है गलत टाइम पर आ गई हूँ, और हम लोग फ्यूचर के स्पेशल ग्रेड सोर्सरर हैं इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति नाइस होना चाहिए। गेटो बोलता है कि मैं तुम्हारा मैसेज सतोरू को दे दूंगा। युकी बोलती है कि एक लास्ट बार स्टार प्लाज्मा वेसल की चिंता मत करो, एक और स्टार प्लाज्मा वेसल पैदा हो गई है और फिलहाल के लिए टेंगेनसामा भी स्टेबलाइज है। अब युकी जाते हुए सोचती है कि अरे मैंने तो उसका टाइप पूछा ही नहीं। अब हमें दूसरी तरफ ननामी गुस्से में दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये हमारे लिए काफी आसान मिशन होना चाहिए था, लेकिन डैम इट एक्चुअली में वो लैंड कोड निकला जो कि ग्रेड वन का केस है। अब गेटो बोलता है कि ननामी तुम रेस्ट करो, सतोरू इस मिशन को संभाल लेगा। एक्चुअली सतोरू को ही ये सारे मिशन संभालने चाहिए। अब हमें हाइबारा की बॉडी दिखाई जाती है। गेटो अपने हाथ में खून देखकर सोचता है कि क्या मैं इसी तरह अपने दोस्तों की बॉडी के ऊपर खड़ा रहूंगा। अब प्रिंसिपल यागे के मर्डर केस की रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ गेटो हमें एक मिशन में दिखाया जाता है। गेटो बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो दो लोग बोलते हैं कि दिख नहीं रहा कि इन दोनों लड़कियों ने यहाँ पर तबाही मचाई हुई है। वहीं यागे रिपोर्ट पढ़ता है कि 112 लोग मारे गए और उसी विलेज का मिशन गेटो सुगुरु को दिया गया था। वहीं पर वो लोग गेटो को बोलते हैं कि ये दोनों साइकोज हैं, इन दोनों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इनके पेरेंट्स भी मॉन्स्टर थे। गेटो उन दोनों लड़कियों को देख रहा होता है और उसके मन में युकी की बातें चल रही होती है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे वही तुम्हारा ट्रू थॉट बनेगा। अब गेटो बोलता है कि सब लोग बाहर चलो, और बाहर जाते ही गेटो अपने कर्स को आजाद कर देता है जिससे पूरे गांव में तबाही मच जाती है। वहीं यागा रिपोर्ट पढ़ता है कि सुगुरु गेटो की कर्स मैनिपुलेशन की वजह से यह सब हुआ है। ये सुनकर गोजो बोलता है क्या, तो यागा बोलता है कि मुझे बातें रिपीट करने के लिए मत बोलो। गोजो बोलता है कि मुझे साफ साफ सुनाई दिया है, लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। यागा बोलता है कि सुगुरु का होम टाउन भी तबाह हो चुका है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स भी। गोजो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। यागा बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब दूसरी तरफ हमें शोको दिखाई जाती है। तभी गेटो बोलता है कि तुम्हें लाइट चाहिए। शोको बोलती है कि तुम तो क्रिमिनल हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। गेटो बोलता है कि मैं बस लक आजमा रहा हूँ। शोको बोलती है कि शायद मुझे पूछना चाहिए कि तुम इनोसेंट हो, तो गेटो बोलता है कि नहीं। शोको बोलती है कि अच्छा तो ये पूछना चाहिए कि तुमने ये क्यों किया। गेटो बोलता है कि मैं ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर के लिए हो। शोको बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो गेटो बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि सब मुझे समझे। शोको बोलती है कि ये बच्चों वाली बात है इस तरह रिजाइन करना, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं समझता। तभी वो गोजो को फोन करके बताती है कि गेटो यहाँ पर है। गोजो बोलता है कि उसे रोको, तो शोको बोलती है कि नो वे, मैं मरना नहीं चाहती। अब गोजो भीड़ के बीच में बोलता है कि मुझे समझाओ सुगुरु, तो गेटो बोलता है कि तुमने शोको से सब सुन लिया होगा। गोजो बोलता है तो क्या सच में तुम सबको ऐसे ही मार दोगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी। गेटो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, इसके अलावा मेरी फैमिली और भी है। गोजो बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि तुमने कहा था कि तुम पॉइंटलेस मर्डर नहीं करते। गेटो बोलता है कि मेरे अपने रीजन है और उन सब बेपॉइंट है। गोजो बोलता है कि तुमने कहा कि तुम सभी नॉन सोर्सरर्स को मार दोगे, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। गेटो बोलता है कि तुम सच में एरोगेंट हो, लेकिन अगर ये तुम्हारी बात है तो तुम ये कर सकते हो ना सतोरू, लेकिन फिर भी तुम ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो कि अनअचीवेबल है। तुम सबसे ताकतवर हो इसलिए सतोरू गोजो हो, या फिर तुम सतोरू गोजो हो इसलिए ताकतवर हो। गोजो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो गेटो बोलता है कि अगर मैं तुम बन जाऊं तो ये एब्सर्ड चीज भी काफी आसानी से असलियत बन जाएगी, और अब से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किस तरह अपनी लाइफ जीऊंगा। तभी गोजो से मारने लगता है। गेटो बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। दूसरी तरफ यागा बोलता है कि तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए, तो गोजो बोलता है कि तुम सचमुच मुझसे ये पूछ रहे हो। यागा बोलता है कि खैर छोड़ो, इसमें मेरी गलती है। गोजो बोलता है कि मिस्टर क्या मैं सबसे ताकतवर हूँ। यागा बोलता है कि हाँ तुम अनबिलीवेबल स्ट्रांग हो, तो गोजो बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं उन्हें बचा सकता हूँ जो कि बचने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक आदमी पूछता है कि स्टारलीजिस ग्रुप तो डिस्बैंड हो गया था ना। गेटो बोलता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें सेम है, इसलिए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है ताकि पैसे और कर्सेस को कलेक्ट कर सकूं। अब वो दो लड़कियां दिखाई जाती है जो कि गेटो के साथ बहुत खुश होती हैं। गेटो बोलता है कि क्या सभी ब्रांच हेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आ गए हैं। वो आदमी बोलता है कि हाँ सभी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर यहाँ पर है। अब गेटो स्टेज पर जाकर बोलता है कि सॉरी सबको इंतजार करवाने के लिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज से ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है और इसका नाम भी हमने बदल दिया है। सब लोग गेटो को रिजेक्ट करते हैं, तो गेटो बोलता है कि मिस्टर
सोनोडा क्या आप ऊपर आएंगे। अब गेटो कर्स के साथ उसे मार देता है और बोलता है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब समझ गए। गेटो बोलता है कि मुझे मंकी से नफरत है इसलिए सब मेरी बात सुनो। दूसरी तरफ गोजो बोलता है कि तुम मेगुमी हो ना। मेगुमी बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। गोजो बोलता है कि कुछ नहीं, वो तुम्हारा चेहरा किसी के साथ बहुत मिलता है। खैर छोड़ो, मैं ये बताने आया था कि तुम्हारे फादर जेनिन फैमिली जो कि एक सोर्सर फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही यूजलेस था इसलिए घर से भाग गया। उसके बाद उसे तुम हुए। तुम भी कर्स स्पिरिट को देख सकते हो ना, तुम्हारी भी अपनी कर्स टेक्निक डेवलप हो गई होगी और तुम तुम्हारी फैमिली के खिलाफ तुम्हारे फादर के एस हो। और वैसे मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया। मेगुमी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है क्या करते हैं, सालों से मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से मैं सब समझ गया हूँ। सुमिकी की मदर भी काफी टाइम से वापस नहीं आई, शायद हम लोग यूजफुल नहीं रहे होंगे और वो दोनों काफी मजेदार लाइफ जी रहे होंगे। गोजो बोलता है कि तुम सचमुच फर्स्ट ग्रेड में हो। खैर छोड़ो, तुम कभी भी अपने फादर के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुम जेनिन फैमिली के पास वापस जाना चाहते हो। मेगुमी बोलता है कि सुमिकी का क्या होगा, क्या वो खुश रहेगी। गोजो बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें बस हार्ड वर्क करना होगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मेगुमी यूजी और नोबारा बोलते हैं कि प्लीज हमें इस तरह बुलाकर यहाँ पर सोया मत करो। अब गोजो उठकर उन्हें देखता है और साइड में जाकर हंसने लगता है। मेगुमी बोलता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। गोजो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।